हेलो माय यू डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके रिश्ते को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके रिश्ते के साथ वो क्या करना चाहते हैं, जैसे वो आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो आपके रिश्ते को लेकर के ये पर्सन क्या डिसीजंस ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने, सॉरी, दो पाइल्स रखने भूल गई। यहाँ पे मैंने रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और ग्रीन। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, तब आपको उस रीडिंग को सुनना है। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच करके सेलेक्ट कीजिए। पिंक, सॉरी, ऑरेंज पाइल या ग्रीन पाइल, उसके बाद जब मैं रीडिंग करूँगी तब आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी ग्रीन पाइल की। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को लेकर के आगे क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी इस रिश्ते में जो झूठ वगैरह वो बोलते आए हैं, जो चीज़ों को इधर उधर करते आए हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चालाकी जो वो करते आए हैं, उसको अभी भी छोड़ने के विचार में मुझे ये पर्सन कहीं से भी नहीं नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर का माइंड कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि गलतियाँ उनसे भी हो सकती हैं। अब इस पूरे सिचुएशन में वो सही बन के निकल जाएंगे और आप गलत रह जाओगे। इनको लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप में कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने के बाद ये कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, और उसी रीज़न से ना ये बार बार पर्सन जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। फिर यहाँ पर एक बात ये आती है कि देखिए, अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट करने का सोच रहे हो तो मैं तो आपको इस कार्ड कॉम्बिनेशन को देख करके ट्रस्ट नहीं करने के लिए कहूँगी। रीज़न ये है कि ये पर्सन ने हो सकता है आपको पास्ट में भी चीट किया हो। चीट करने का इकलौता मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने किसी और के साथ अफेयर कर लिया तो चीटिंग हुई, नहीं। अगर कोई बात आपकी जानने की थी, जो आपको जाननी चाहिए थी, वो बात उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं करी, ये भी एक फॉर्म ऑफ चीटिंग है। उसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट था या उसमें आप दोनों के रिश्ते में कोई इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसको उन्होंने नहीं बताया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोला है। ओके, मे बी रिश्ते में आने के बाद आपको पता चला होगा कि ये पर्सन, मतलब जो रिश्ता आपने इस पर्सन के साथ बना लिया, उसके बाद आपको पता चला कि ये तो वो पर्सन है ही नहीं जो ये पर्सन अपने आप को दिखा रहा था। मतलब दिखा कुछ रहे थे अपने आप को, निकले कुछ, इन्होंने आपको बोला होगा कुछ और असलियत जब आपने सिचुएशन देखा तो सिचुएशन काफ़ी अलग थी। ओके, जिस टाइप के पार्टनर को आप डेट कर रहे हो, इस टाइप के लोग ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। ओके, हेल्प करते हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हेल्प करते हैं, मगर हेल्प करने से ज़्यादा हेल्प ले लेते हैं। अगर इनको पता है कि ये जिन्हें हेल्प कर रहे हैं, अगर इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है तो ये हेल्प नहीं करेंगे। ओके, सबके लिए तो नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए उनके जो पार्टनर हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, पूरे सिचुएशन में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा दाएँ बाएँ करते रहते हैं। हमेशा हमेशा ये पर्सन जो है वो और
क्या बेहतर मिल सकता है और क्या अच्छा मिल सकता है और किस एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। इस पर्सन को सब चाहिए, नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, काम करने से ज़्यादा। आप काम करो, आप चीज़ों की इच्छा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। काम करने से ज़्यादा इस पर्सन के सपने काफ़ी बड़े हैं। सपने बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपके सपने बड़े हैं तो उस हिसाब से आपके पार्टनर को काम भी करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जिन लोगों के पार्टनर के लिए, मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इनको पता हो कि आपके साथ रहना बेनिफिट का सौदा है तो ये आपके साथ रहना चाहेंगे, या तो आप इनकी ये सब जो चल रहा है ना, चीटिंग वगैरह, झूठ बोलना, सच्ची बात नहीं करना, उसको आप नज़रअंदाज करने के लिए रेडी हैं तो भी आपके साथ रहेंगे। अगर आपने इनसे थोड़ा भी ट्रूथ एक्सपेक्ट किया तो ये पर्सन आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं नज़र आएगा। होस्टिंग बहुत करते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो इस सिचुएशन से थोड़ा बच के चलने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे तो जहाँ तक वाइब्स आ रही हैं आपके रीडिंग से, यही आ रही है कि मनी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इस रिश्ते में। मे बी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो उनके पार्टनर्स हैं उनको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मे बी आपको छोड़ते ही उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। आप इनको फाइनेंशियली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होगे, या तो ये ना इन्होंने या तो आप आपसे इन्होंने पैसा वगैरह लिया होगा या किसी टाइप का बेनिफिट वगैरह लिया होगा, मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए आपके साथ रहना बेनिफिट का सौदा है, इसलिए भी ये पर्सन इस रिश्ते को चलाने में इंटरेस्टेड है। इनसे थोड़ा सावधान इसलिए रहने बोल रही हूँ क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स इनके अंदर चीटिंग की एनर्जी को जगाएगा, अननेसेसरली झूठ बोलने को जगाएगा। तो बेफालतू का झूठ बोलना, बेफालतू की चीज़ें छुपाना, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना, इन सारी चीज़ों से इंसान जितना दूर रहे उतना ज़्यादा खुश भी रहता है। इनके नेक्स्ट एक्शंस कोई नहीं बता सकता है। आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो कोई नहीं बता सकता है। इनके साथ होते हुए जैसे रिश्ते को भी लेकर के इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, मगर ये चीज़ वो आपको फील नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं आप हमेशा ही इस इम्प्रेशन में रहोगे। अगर आप इनके एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हो तब तो एक अलग बात है, अगर कोई इंसान किसी के एक्टिविटी पे ध्यान ना दे तब आप इनको पकड़ नहीं पाओगे। ये मन में क्या सोचते हैं ये कभी ना आपको बताएंगे ना किसी और पर्सन को बताएंगे। इनकी मन की बातें मैक्सिमम टाइम्स ये अपने मन तक ही रखने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्सन से मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप इनसे सावधान नहीं रहोगे तो कमिंग टाइम में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कमिंग टाइम में आपको दिक्कतें होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ सावधानी बरतने की कोशिश कीजिए। इन एंड आउट इनकी बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए। अभी तो देखिए ये एंड करके आपके साथ रिश्ते को नहीं जाएंगे। बस बात करेंगे, बस और बस बात करेंगे, बात में कोई दम नहीं रहेगा। जो ये बातें बोलेंगे उन बातों का अपने आप में कोई लॉन्ग टर्म पे वैल्यू नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसकी वजह यही है कि ये ऑल टॉक नो एक्शन वाले टाइप के लोगों में से हैं। वो लोग होते हैं ना जो बोलते काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कोई एक्शन लेते हैं तो ऐसी एनर्जी में लेते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि एक्शन आपने लिया ही क्यों, क्योंकि वो काफ़ी गलत डायरेक्शन में इनका एक्शन होगा बिना सोचे समझे। बस वही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। चीज आपको सिचुएशंस की असली बातें अभी भी नहीं पता है। वो अभी भी चाहेंगे कि रिलेशनशिप में आप कोर इशू पे कभी ना पहुंचो, जो वो बोल रहे हैं वो बात आप मानो और उसी के हिसाब से फिर आगे बढ़ते जाओ। तो चलिए,
देखिए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मजिशियन एंड द शैरियट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पूरे, देखिए धोखे वाली बात तो मैंने आपको बताई, इनके अपने लाइफ में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिसको लेकर के, हाँ ये दिखाते बहुत हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे अगर आप इन्हें छोड़ के चले भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मगर इंटरनली ये जानते हैं कि अगर आप इन्हें छोड़ के जाओगे तो इनका लॉस है पूरे सिचुएशन में। ओके, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके लाइफ में दिक्कतें आएंगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स पे आप इनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान बना देते हो, इसके बावजूद भी ओके, इनको एक्शन लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर के अंदर बुद्धि नहीं है। ओके, मगर हमेशा ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये अपनी गलती मानने को रेडी नहीं रहेंगे, फिर सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, तो ये ना एक सीक्वेंस बन जाएगा पूरे सिचुएशन का। आपको ऐसा लगेगा कि आप रिश्ते में कम और ब्लेम गेम में ज़्यादा हो, तो उसमें पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ये अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखते हैं, ये बहुत डिटरमाइंड है इनको क्या करना है। अभी के सिचुएशन में ये रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, बस ये आपको अलग अलग तरीक़ों से परेशान करेंगे, मतलब परेशान नॉट इन द सेंस कि आपको टॉर्चर करेंगे या ब्लैकमेल करेंगे, उस तरीके का कुछ भी नहीं, परेशान करेंगे मतलब बात नहीं करेंगे, कभी सही बातें नहीं बताएंगे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं देंगे, मन में सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो एकदम से ना चीज़ें काफ़ी अप डाउन होंगी। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अपने आप को काफ़ी कंट्रोल में रखें, और मजीशियन कार्ड है तो आप जान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, बस वो उसको हैंडल करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक अपनी भी तो दिली इच्छा होती है ना कि आप किस सिचुएशन को कितना हैंडल करना चाहते हो और कितना सही रखना चाहते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हमेशा बेनिफिट देख के चलते हैं, हमेशा सेंटर स्टेज पे बने रहना चाहते हैं, ये पीछे नहीं हट सकते हैं। ओके, ये आपको पीछे होना पड़ सकता है, ये पीछे नहीं हटेंगे। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए इस पर्सन को, मैनिफेस्ट करने से कुछ मूवमेंट्स होंगे। ये अपने साइड से कोई एफर्ट लगाने में अभी के डेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इनकी बातों को एज इट इज़ जैसे ये बोलते हैं वैसे यकीन ना करें। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टेक केयर, बताइएगा कमेंट करके कि आपको रीडिंग पसंद आई या नहीं, आप कौन से दूसरे टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हो। अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे जो कि है हमारा ग्रीन पाइल, तो देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आज हमारे दोनों ही पाइल्स में, दोनों ही पाइल्स में सेवन, तो दोनों ही हमारे पाइल्स में आज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो एक चीज़ तो है, मगर यहाँ पे आपके लिए जिन लोगों ने पाइल टू चुना है उनके लिए थोड़ा सिचुएशन अच्छा इस वजह से होगा कंपैरेटिवली, ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए एक बेहतर वो होगा क्योंकि किंग ऑफ वांड्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को आपके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए उस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। ऑलरेडी उन्हें अफसोस है, फाइव ऑफ कप्स उनके अंदर रिग्रेट लेकर के आएगा, जो गलतियां उन्होंने की, जो मिस्टेक्स उनसे हुई। ओके, तो जो भी मिस्टेक आपके पार्टनर ने करी, जो भी प्रॉब्लमेटिक सेंस आए, थोड़ा धोखा,
थोड़ा झूठ बोलना, जो भी सिचुएशंस आए, ओके, उन सारे ही सिचुएशन में आपके पार्टनर को रियलाइज़ है कि चीज़ें जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं चली, तो उनके अंदर एक रिग्रेट है कि रिलेशनशिप में गलतियां हुई हैं, ओके, रिलेशनशिप में चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी जैसे आप दोनों के बीच में चली, तो हमेशा वो रिग्रेट उनके अंदर आएगा, उनको हमेशा बुरा लगेगा, जैसे वो अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत लोनली फाइंड करेंगे, ओके, बहुत अकेला महसूस करेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे कि सी इस पर्सन के अंदर वो चीज़ तो आ गई है कि इन्होंने गलत किया है, ओके, आपके साथ आपके अगेंस्ट खड़े हो करके, आपको नहीं अंडरस्टैंड करके, मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ के गलत किया है, ओके, अब इनका इनर सेल्फ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए बोलेगा, ओके, इनका इनर सेल्फ इनको आपको वही लव देने के लिए बोलेगा जो लव आप डिज़र्व करते हो, ओके, जो सैडनेस जो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, तो जो सैडनेस इनको मिला, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनके अकॉर्डिंग इन्हें लगा था कि जैसे जब सब कुछ नहीं भी होगा तब भी वो ठीक ही रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर जब आप नहीं रहे इनके साथ तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। तो अब ये पर्सन एक तो आपको स्पाई करता है, आपको देखता रहता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, दूसरा ये कहीं ना कहीं मूव करेंगे आपकी तरफ, लेकिन अभी ये प्लान कर रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट काफ़ी अब्रप्ट होगा, मतलब अभी सोचा कल आ गए, कल सोचा अभी आ गए, इस टाइप का एक सिचुएशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपके साइड ये मूवमेंट करेंगे, ओके, मतलब चीज़ों को समझेंगे, कैसे क्या करना है उसको समझेंगे, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी आपके साइड आएंगे। तो हाँ, इस सिचुएशन में मैं आपको कह सकती हूँ कि देखिए, आप इनका वेट कर सकते हो, ओके, क्योंकि अगर आप ये वेट कर रहे थे कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि इनसे गलती हो गई है, ये इस पर्सन ने मूव ऑन करने की भी कोशिश की बहुत ज़्यादा, मगर इनसे वो हुआ नहीं, ओके, हीलिंग वगैरह भी करी है, तो मे भी इन्होंने किसी से हीलिंग कराई हो या खुद ही स्पिरिचुअल पाथ पे जाकर के हीलिंग करी हो, बहुत सारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, इमोशंस को आमने सामने से फील नहीं करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना डिस्टर्ब होना, वो नहीं होने देने की कोशिश करना अपने आप को, बट इनसे हो नहीं पाया, ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे दूर होके मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी, मगर इनसे वो चीज़ें हो नहीं पाई, तो अब ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि ये आपकी ही साइड वापस आ जाए, ओके, तब ऐसा तो है नहीं कि आपके साइड ये पर्सन जिसकी बुद्धि इतनी तेज़ है, दिमाग इतना अच्छा चलता है, वो उठ के आ जाएगा, ओके, ऐसा नहीं होगा, तब ये प्लानिंग करेंगे, ये सोचेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें रिस्क क्या क्या है, ओके, थोड़ा झूठ भी बोलेंगे, ट्रिक भी करेंगे, कुछ ऐसे मेंटल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं ताकि उनको माफ़ी ना मांगना पड़े और उनकी आपकी ज़िंदगी में वो वापस भी आ जाए। तो अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ओके, प्रॉपर वे में सोच समझ के ही ये वापस आएंगे, द डेविल का रिलेशनशिप एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, समवेयर आगे जाके इनको एक और फियर है कि कहीं चीज़ें फिर से ख़राब ना हो जाए, मतलब फिर से जहाँ पे आप लोगों ने रिलेशनशिप को छोड़ा था, ओके, जहाँ चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, कहीं फिर से वो सेम सिचुएशन आप दोनों के बीच में ना आ जाए, मगर एक पूरे सिचुएशन में आपके बिना रहना भी इनको अंदर ही अंदर बहुत फियरफुल बनाता होगा, इनके अंदर डर लेके आता होगा, क्योंकि इस कनेक्शन से निकलने का तो कोशिश वो कर चुके, अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के केस में आपके पार्टनर ने चीटिंग भी करी होगी, ओके, अब जिस भी टाइप की चीटिंग करी, चाहे वो किसी पर्सन के साथ करी, सिचुएशन के साथ करी, इमोशन के साथ करी, या कैसी भी चीटिंग उन्होंने करी, बट आज के डेट में उनको इस चीज़ का पछतावा है, ओके, तो अब क्या है ना कि उनको
बहुत पावरलेस लगता है इस रिलेशनशिप के सामने, कभी डर भी लगता है कि आप वापस नहीं आओगे, और वही एक सिचुएशन है जो हमको अंदर ही अंदर रोकता है कि अगर वो आगे बढ़ गए और इन केस आप पीछे हो गए तब तो उनकी इज्जत चली जाएगी। तो ये पूरे ऐसे तरीके से प्लान करके चीज़ें आपके तरफ बढ़ेंगे कि आप इनको रिजेक्ट ना करो। हो सकता है ये पर्सन आपको बीच बीच में कॉल्स या मैसेजेस भी करता रहे, या अभी भी आप दोनों कैजुअल टॉकिंग में इन्वॉल्व होगे। ओके, ऐसा नहीं है कि देखिए इमोशनल नहीं है, प्यार नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, मगर हाँ जिस टाइप के पार्टनर के साथ आप हो वो लोग पहले सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं, जो एक्सेप्टेड टर्म्स है मतलब जो होना चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं, फिर ही वो किसी और सिचुएशन में किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बॉन्डिंग से वो निकलना नहीं चाहते हैं, चाहेंगे भी तो अभी नहीं निकल पाएंगे। क्या आप चाह के निकल पा रहे हो? ओके, तो ये पर्सन जब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पता नहीं था कि ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या आप उस सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकाल पाए? नहीं निकाल पाए ना, तो जिस तरीके से आप इनका वेट करे हो ये भी आपका वेट करेंगे। ये बस आएंगे तभी जब ये मन से श्योर हो जाएंगे कि इनके आने को आप रिजेक्ट नहीं करोगे, इनके आने को आप ओपन स्पिरिट से एक्सेप्ट करोगे। थोड़ा डिप्लोमेटिक ये पर्सन रहेंगे प्रेजेंटली, ओके, देख देख के चलेंगे कि इनका फ़ायदा भी होना चाहिए आपका फ़ायदा भी होना चाहिए। हो सकता है आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा हो वो आपसे या किसी और से मैरिड हो, फेथफुल है, लॉयल है, एक पूरे सिचुएशन में बहुत कम लोगों के ही पार्टनर हैं जिन्होंने चीट किया है। ओके, अब वो बार बार कहती हूँ वो चीटिंग किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा लोगों से इजीली वो भी हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं, रोमांटिक हैं, चार्मिंग हैं, मगर अपना जो एक वो अटेंशन होता है ना कि पूरा पूरा अटेंशन आपको दे रहे हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं नहीं दे पाते हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर के अलावा आपको कोई खुश नहीं रख पाएगा, ओके, इनसे ज़्यादा आपके लिए कोई केयर नहीं कर पाएगा, इनसे ज़्यादा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाएगा, तो इनसे एसोसिएटेड सारे दुख भी सहने के लिए आप रेडी हो, मतलब लाइक कुछ भी हो आप इनके साथ रहने के लिए मेंटली काफ़ी प्रिपेयर्ड हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं रह सकता हूँ या मैं रह सकती हूँ, मुझे कोई ऐसा इस पर्सन के साथ दिक्कत नहीं है। मगर वही है कि ये काफ़ी इमोशनली मेच्योर है, तो अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस आप चाहोगे, ओके, या बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे से चाहोगे कि ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करें तो वो नहीं होगा। फिर पूरे सिचुएशन में बात आती है कि डेविल की एनर्जी, तो डेविल की एनर्जी आप लोगों के बीच में बहुत फाइट्स, बहुत नेगेटिविटीज़ को क्रिएट करेगा। ये भी दर्शाता है डेविल की एनर्जी कि किसी की नज़र सी लग गई है आपके रिश्ते को, कि अच्छा खासा भला रिश्ता जो काफ़ी स्टेबल था, अच्छा चल रहा था, उसमें आपके पार्टनर अलग ही ट्रैक पकड़ के चलने लग गए। क्योंकि जिस टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी है उस टाइप के लोग जनरली चीट नहीं करते हैं, जनरली, ओके, मगर या बहुत मैनिपुलेट नहीं करते हैं, मगर डेविल की एनर्जी उनके गुड रिलेशनशिप को बैड में बनाएगा, उनको इंटीमेसी में आगे करेगा, इमोशनल कनेक्शन में पीछे करेगा, फिज़िकल प्लेजर्स, मनी प्लेजर्स पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो वर्क करके पहले इस इंसान को ज़्यादा खुशी मिलती होगी, बट आज के डेट में एक तरीके से इंटीमेट हो करके या फिज़िकल प्लेजर्स पाके इस पर्सन को ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे निकल करके आई हैं। बहुत सारे डार्क साइड्स हैं जो इस पर्सन के अभी तक आपसे छुपे हुए थे, वो भी बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आपके पार्टनर के बारे में जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी, वो चीज़ें भी डेविल आपके सामने लेकर के आएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर एनर्जी का दो साइड्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको आपके पार्टनर का पॉजिटिव तो पता था, नेगेटिव नहीं पता था। ओके, तो आगे मूवमेंट होगा, पर्सन वापस आएंगे, रिलेशनशिप बनेगा। अफसोस है इस पर्सन को,
आप अगर मूवमेंट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कमिंग टाइम में। ये ऑलरेडी अपने प्लान्स वगैरह बना रहे हैं आपके पास वापस आने का, कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान जिसमें अगर ये आपके पास वापस आए तो आप इन्हें रिजेक्ट ना करो और होलली सोलली इन्हें एक्सेप्ट करो, ओपन आर्म्स के साथ इन्हें एक्सेप्ट करो। तो कभी कभी लगता होगा कि जैसे आप ट्रैप्ड हो गए हो यहाँ, उनको भी ऐसा लगता होगा जैसे वो फंस गए हैं रिलेशनशिप में, नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, नहीं हुआ तो क्या, साथ में नहीं रह पाए तो क्या, अगर वो आपके इंटेंशंस पूरे नहीं कर पाए, वो आप उनके इंटेंशंस नहीं पूरे कर पाए तो क्या। तो इतना नेगेटिव सोच के रिलेशनशिप नहीं चलाया जाता है। रिलेशनशिप को चलाने का कोर मंत्र ही पूरे सिचुएशन में पॉजिटिव रहना और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है। तो कमिंग टाइम में आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, आप वेट कीजिए, शांति से वेट कीजिए। अगर आप इम्पेशेंस दिखाओगे तो यूनिवर्स इम्पेशेंस नहीं लेता है। अगर आप इम्पेशेंस दिखाओगे तो यूनिवर्स आपको 1,000 रीजंस दे देगा रिलेशनशिप में नहीं रहने के। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। बेल बटन ज़रूर दबा दें सो दैट अगर कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो आप वो जा कर के देख सकूं। एंड अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय।